नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। बुलंद प्रेस क्लब श्री चमकौर साहिब की तरफ से राष्ट्रीय प्रेस आजादी दिवस को समर्पित विशेष सम्मान समारोह करवाया गया। इसमें चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी का विशेष सम्मान किया गया। समागम में पहुंचते ही सरदार जगजीत सिंह दर्दी का समस्त पत्रकार भाईचारे की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा के द्वारा सरदार जगजीत सिंह दर्दी को निरपक्ष पत्रकारिता के लिए देश के राष्ट्रपति की तरफ से मिले पद्मश्री सम्मान के लिए बधाई दी गई और उन्हें विशेष सम्मानित किया गया। सम्मान समागम के दौरान बुलंद प्रेस क्लब तथा विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर चढ़ती कला के मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी का भी कुलतार सिंह संधवा और विशेष तौर पर पहुंचे विधायकों ने विशेष सम्मान किया। मोहाली में गत रात इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर में हुए धमाके के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलके हर हालात में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मोहाली में सोमवार शाम करीब 7:30 पर खुफिया विभाग के मुख्यालय के बाहर धमाका हुआ। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धमाके की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग के दफ्तर की तीसरी मंजिल पर रॉकेट जैसी कोई वस्तु आकर गिरी जिससे ये धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में ऑफिस के कई शीशे टूट गए। हालांकि गनीमत रही कि इस ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली ब्लास्ट को लेकर सख्ती से एक्शन लेते हुए पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में डीजीपी एडीजीपी आईजी और एसएसपी समेत बड़े अधिकारी बुलाए गए। यह मीटिंग मुख्यमंत्री हाउस में बुलाई गई। सीएम मान ने अधिकारियों को मोहाली ब्लास्ट को लेकर सख्ती से एक्शन लेने के हुक्म दिए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशन सेरेमनी आज पंचकुला के सेक्टर 23 स्थित नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। सुबह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री एक विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वाहन प्रदेश भर में घूमकर युवाओं के बीच इन राहगीरी रिले कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह पैदा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को बढ़ावा देने के लिए धाकड़ ऑन व्हील्स यानी एक ऐसा वाहन जिस पर मशाल व शुभंकर लगा होगा ये राज्य का दौरा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के लिए एक बड़ा खेल आयोजन है, इसलिए नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं के बीच इन राहगीरी रिले कार्यक्रमों के माध्यम से जबरदस्त उत्साह पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री इस विशेष वाहन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के नए नए विकल्प तराशने में जुटी योगी सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक नया कार्यालय स्थापित करेगी। इसका मकसद मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने प्रदेश में निवेश करने, उनके हितों की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कार्यालय के माध्यम से उन तमाम उत्तर प्रदेश के निवासियों से जुड़ना संभव होगा जो ये तो लंबे समय से मुंबई में या तो नौकरी और व्यवसाय के लिए रह रहे हैं या वे जो हर वर्ष रोजगार की तलाश में मुंबई जाते हैं और समय समय पर उत्तर प्रदेश वापस आते हैं उनके लिए ये किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित कार्यालय के माध्यम से मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश में पर्यटन संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराकर उन्हें यहां उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उनसे विचार विमर्श करके उनके लिए यहां एक अनुकूल व आकर्षक बिजनेस एनवायरमेंट भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके उत्पादों या सेवाओं के लिए एक विशाल बाजार व मांग है जिसकी वजह से उनके लिए यहां निवेश करना लाभप्रद होगा। हरियाणा में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा और इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा किसान संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर जुटेंगे और इसके लिए सभी किसान संगठनों को एकजुट किया जा रहा है और जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। जल्द ही जींद में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर सभी किसान संगठनों द्वारा बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए कई निर्णय लिए जाएंगे। यह निर्णय चरखी दादरी में किसान संगठनों की अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरमुख सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों,
जेलों में बंद किसानों की रिहाई, किसान पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, फसल बीमा मुआवजा, नहरी पानी सप्लाई तोड़ी पर बैन, कर्ज माफ कराने, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में सभी किसान संगठनों को एकजुट कर फिर से किसान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आदिवासी बहुल दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करने वाले हैं। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जहां पिछले 27 सालों से भाजपा का शासन है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को दाहोद का दौरा किया था और आदिवासी क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की थी। कांग्रेस के एक बयान के मुताबिक राहुल गांधी की रैली दाहोद के एक ऐतिहासिक नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित की गई है और यह कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पार्टी के विधायकों से मिलने के साथ ही राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस के बयान में कहा गया कि रैली का उद्देश्य आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा शासन में आदिवासी कष्ट में हैं। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,288 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले के मुकाबले नए मरीजों में 919 की कमी पाई गई है। प्रतिशत में देखेंगे तो संख्या 28.6% कम हुई है। सोमवार को कोरोना के 3,207 नए केस मिले थे। देश में 9 दिनों के बाद ये पहला मौका है जब नए कोरोना केसों की संख्या 3,000 से नीचे आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज मंगलवार को बताया गया कि देश में अब एक्टिव केसों की संख्या 19,637 हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर 3,044 मरीज कोरोना के ठीक हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,366 मरीज दिल्ली में कोरोना से उभरे, इसके बाद हरियाणा में 511, केरल में 330 और यूपी में 258 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में कुल 4,25,63,949 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो देश में इनकी संख्या घटकर 19,637 रह गई है। हरियाणा में 13 मई तक गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 13 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और जिला महेंद्रगढ़ पर अनेक स्थानों पर तीखे तेवरों से आग उगलती गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू चरम पर है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों तक हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रचंड लू चलने व बीच बीच में तीव्र गति की धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। हरियाणा के पश्चिमी दक्षिणी जिले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी में गर्मी और लू अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हालांकि हरियाणा के उत्तरी जिले अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल पर भीषण गर्मी और लू का कम प्रभाव है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों पर सीधी पश्चिमी पवनों के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी और लू चल रही है। भारतीय मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए 13 मई तक ऑरेंज अलर्ट और विशेष हरियाणा के अधिकतर स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।